सो व्हाट्सअप गाइज, दिस इज समीर एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल व्हील्स चैनल। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आपको मैकबुक या फिर विंडोज, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और यहां पर कौन से लोगों को मैकबुक प्रेफर करना चाहिए और कौन से लोगों को विंडोज प्रेफर करना चाहिए। और यहां पर हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि विंडोज और मैकबुक में इतने ज्यादा प्राइस का डिफरेंस क्यों होता है। वहीं आपको विंडोज जो है वो एक लैपटॉप 70 से 80 हजार रुपए में बेस्ट डील मिल जाती है और एप्पल के लैपटॉप एक तरीके से डबल अमाउंट में आते हैं वही स्पेसिफिकेशन के साथ, ठीक है। तो यहां पर हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आपको भी पता लग जाएगा कि आपको विंडोज की तरफ जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए मैक की तरफ, और मैक के पैसे इतने ज्यादा क्यों होते हैं और एप्पल इतना ज्यादा क्यों चार्ज करता है, क्या वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी देता है या नहीं। क्योंकि मैं यहां पर विंडोज भी यूज कर चुका हूं और यहां पर मैं मैकबुक भी यूज कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। तो यहां पर मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं विंडोज लैपटॉप की, कि विंडोज इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों है और सबके सब विंडोज की तरफ क्यों जाते हैं मोस्टली। यहां पर एक चीज आपको जाननी पड़ेगी कि वैसे तो विंडोज जो है वो पेड सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे मैक्सिमम 90% यूजर्स जो होते हैं वो क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लेकिन इसको यूज करते हैं क्रैक यानी कि विदाउट पेड, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट को नुकसान की बजाय फायदा होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए यहां पर मोस्टली जो होते हैं लोग विंडोज को यूज करते हैं क्रैक सॉफ्टवेयर डाल के अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर, और वो विंडोज को चलाना सीख लेते हैं, और जब वो आगे कॉलेज में जाते हैं या फिर जाते हैं किसी कंपनी के अंदर तो वहां पर भी वो इसी विंडोज की डिमांड करते हैं, क्योंकि वो शुरू से बचपन से अब तक विंडोज ही चलाना सीखे थे, जिसकी वजह से वो विंडोज पे यूज टू हो जाते हैं। जबकि फिर जाके कंपनी और कॉलेजेस में जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर खरीदे जाते हैं, क्योंकि कंपनीज एंड कॉलेजेस तो यहां पर क्रैक सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकती क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा लॉ सूट हो जाएगा, यहां पर मैं माइक्रोसॉफ्ट कर देगा कि भाई तुम इतने प्रोफेशनलिज्म के अंदर हमारी एक इतना महंगा सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैक कैसे यूज कर रहे हो। तो वहां पर विंडोज जो है बाजी मार जाता है कि उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। वहीं हम मैक की बात करते हैं, मैक जो होता है ओनली मैकबुक मतलब एप्पल के लैपटॉप्स के अंदर चलता है, लेकिन वहीं आप इसको विंडोज के अंदर भी चला सकते हैं क्रैक व्रैक करके, हैकिंटॉश और ये सब करके, लेकिन वो इतनी ज्यादा सुप्रीम परफॉर्मेंस नहीं देता, ठीक है। तो पहला तो रीजन यही हो गया कि विंडोज इतना फेमस क्यों है, क्योंकि यहां पर विंडोज इजिली एक्सेसिबल है घरों के अंदर इजिली, मोस्टली जो यूज स्टूडेंट्स जो यूज करते हैं वो शुरू से अब तक विंडोज ही यूज करते हैं और वो आगे जाके विंडोज की ही डिमांड करते हैं। लेकिन अब मैं यहां पर आपको बताता हूं बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस जो होता है मैकबुक और विंडोज के अंदर, वो होता है प्राइस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड टिप मैं करूंगा प्राइस इतना ज्यादा क्यों होता है। तो पहले तो मैं ये बात करता हूं कि विंडोज जो लैपटॉप होते हैं वो यहां पर इतने ज्यादा रिलायबल नहीं होते। यहां पर मैं बात करता हूं अपने ही एक्सपीरियंस से, तो मुझे कहीं बार, मेरे पास तो ओरिजिनल विंडो था कि मैंने एचपी का लैपटॉप जो लिया था तो उसके साथ ओरिजिनल विंडो मिली थी। तो यहां पर विंडोज के लैपटॉप इतने ज्यादा रिलायबल क्यों नहीं होते, मैं ये आपको एक चीज बताता हूं। यहां पर विंडोज के अंदर आपने भी शायद बहुत बार नोटिस करा होगा कि आप कोई काम करने बैठे हैं और लैपटॉप को ऑन करो और पता लग रहा है कि उसके अंदर विंडोज अपडेट होनी शुरू हो गई है और वो 1.5 से 2 घंटे तक विंडोज अपडेट ही हो जा रही है ऑटोमेटिकली। तो यहां पर ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग लगी, इसको मैंने जाके स्टॉप करा अपडेट्स को, लेकिन फिर वहां पर हमारी सिक्योरिटी जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अगर आप विंडोज के अपडेट को स्टॉप करते हैं तो। यहां पर और मैकबुक में ऐसा नहीं होता, जब भी मैकबुक को अपडेट करना होता है तो पहले आपसे पूछता है कि आपको ये अपडेट अभी करना है या लेटर में करना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो यही है कि यहां पर कभी भी मैकबुक को खोलो तो यहां पर आपको अपना सिर्फ काम करो और जाओ, यहां पर ये नहीं कि भाई विंडोज अपडेट हो रही है और एक घंटा ले रहा है खुलने में, आधा घंटा ले रहा है खुलने में, अपडेट चल रहे हैं लंबे लंबे। तो यहां पर पहली चीज तो यही हो गई, यहां पर रिलायबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं मिलती। और वहीं हम बात करते हैं कि एप्पल के कॉन्फ़िगरेशन इतनी तगड़ी क्यों है। अब यहां पर M1 चिप का भी मैंने रिव्यू दे रखा है, जो कि एप्पल की M1 चिप अभी तक की सबसे ज्यादा पावरफुल चिप मानी गई है, जो कि एक उस प्राइस रेंज में आई है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मैंने M1 चिप का भी रिव्यू दे रखा है। अब यहां पर एप्पल ने कुछ इस तरीके से अपना मैकबुक्स का इकोसिस्टम बिल्ड कर लिया है यहां पर। अब एप्पल अपनी चिप भी बना रहा है, एप्पल अपने लैपटॉप्स भी बना रहा है, एप्पल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी बना रहा है, मैक ओएस और ये सब, ठीक है। तो यहां पर उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक पूरा का पूरा लैपटॉप जो है वो एक ही कंपनी बना रही है। वहीं विंडोज के अंदर क्या हो रहा है कि विंडोज जो बना रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट वालों को खुद नहीं पता कि ये लैपटॉप
ये जो विंडोज बनी है ये चलेगी किसके अंदर, क्या वो पीसी के अंदर चलेगी, क्या वो कॉन्फिगरेबल पीसी के अंदर चलेगी, या वो कोई एक अलग कंपनी निकलेगी नई और वो हमारी विंडोज को चलाएगी। तो यहां पर विंडोज इतनी ज्यादा जो है हार्डवेयर के साथ ऑप्टिमाइज नहीं हो पाती, क्योंकि यहां पर विंडोज एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है कंपनी और हार्डवेयर जो है वो अलग कंपनी बना रही है। वहीं एप्पल के साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए आपको ऑन पेपर जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है बहुत कम मिलती है मैकबुक की, कि भाई i7 है। लेकिन अब तो i7 और इन सब का जमाना चला गया, अब M1 चिप निकाली है उन्होंने लेटेस्ट। अब यहां पर M1 को हम एक जगह रख देते हैं, वहीं हम विंडोज के उसी बजट सेगमेंट के अंदर बात करते हैं, क्योंकि M1 चिप जो है वो 92,000 से शुरू हो जाती है मैकबुक एयर के अंदर। और वहीं आप 92,000 में कोई भी लैपटॉप ले लीजिए विंडोज का, वो उसको बीट ही नहीं कर पाएगा, यानी कि महंगे से महंगा लैपटॉप भी बीट नहीं होगा। और वहीं हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, कि इसकी बिल्ड क्वालिटी, जी हाँ दोस्तों बिल्ड क्वालिटी जो होती है वो मैकबुक की फुल एल्यूमिनियम की होती है। देखिए यहां पर ये सारी की सारी बिल्ड जो है ये एल्यूमिनियम की है। बहुत बार विंडोज के लैपटॉप में देखा गया है कि ये हिंज होते हैं, जब हम मैकबुक को खोलते हैं, ओपन करते हैं, बंद करते हैं, जिसकी वजह से ये हिंजेस जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। लेकिन वही मैकबुक के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां पर पूरी एल्यूमिनियम बॉडी और प्रीमियम क्वालिटी देने की पूरी कोशिश की जाती है। वहीं आप मैक्सिमम से मैक्सिमम विंडोज लैपटॉप्स को उठा लीजिए, वो सारे के सारे आपको प्लास्टिक में मिलेंगे। प्लास्टिक में मिलने का सबसे मेन रीजन ये है कि उनकी हिंजेस जो होती हैं वो डिस्प्ले की बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, ठीक है। वहीं मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूं, जो एप्पल ने सबसे बड़ा गेम जो है वो खेल रखा है अपने इकोसिस्टम का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास आईफोन है और आईपैड है या एप्पल का कोई भी अलग प्रोडक्ट है और आपके पास मैकबुक भी है, तो यहां पर आप इतनी जबरदस्त इकोसिस्टम में आ जाते हैं। यानी कि आप मान लीजिए आपने आईफोन के अंदर एक चीज कॉपी करी, वो चीज आप मैकबुक में जाएंगे ना, बिना कोई वायरलेस के आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी दबा के। तो यहां पर आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त इकोसिस्टम है। तो यहां पर ये चीज बहुत जबरदस्त खेली है। सिक्स्थ चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है यहां पर इसमें एप्पल के खुद के सॉफ्टवेयर। मान लीजिए एक आपको आईफोन की एप्लीकेशन बनानी है, आप आईफोन की एप्लीकेशन बिना एप्पल के लैपटॉप के, एप्पल के कंप्यूटर के बना ही नहीं सकते। विंडोज के अंदर आईफोन की iOS की एप्लीकेशंस बनती ही नहीं है, क्योंकि एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर है Xcode। Xcode को आपको चलाने के लिए विंडोज के अंदर चलेगा ही नहीं, आपको मैकबुक लेना ही पड़ेगा। तो यहां पर एक मजबूरी कर देता है एप्पल अपने लैपटॉप को लेने के लिए। वहीं फिल्मिंग इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो फाइनल कट प्रो बहुत ज्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एप्पल के अंदर ही चलता है। तो क्या एप्पल इतना बेवकूफ है कि वो एक इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाता है उसको सिर्फ एप्पल के लिए क्यों बनाता है? ताकि वो एप्पल के प्रोडक्ट खरीदें। चाहता तो वो विंडोज के लिए लॉन्च नहीं कर सकता था इजीली, इतनी ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है वो आराम से लॉन्च कर सकता था, लेकिन नहीं, ताकि उसके प्रोडक्ट खुद के बिकें। वहीं आप म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं तो वहां पर लॉजिक एक्स प्रो जो म्यूजिक बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है वो भी सिर्फ और सिर्फ एप्पल के अंदर ही चलता है। और यहां पर एप्पल के अंदर आपको इतना जबरदस्त फास्ट स्पीड मिलती है कि जितने भी डेवलपर्स होते हैं प्रोग्राम करने वाले, जैसे मैं खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, सारी कंपनियों में मैकबुक ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मैकबुक के अंदर इतनी ज्यादा रिलायबिलिटी देखने को मिलती है, जब ऑन करो जब ऑन हो जाता है। और स्लीपिंग मोड इसका बहुत जबरदस्त है। यहां पर इसकी फास्टेस्ट स्पीड जो है वो M1 जितने आ चुके हैं ना उन सब के अंदर इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड आ चुकी है, क्योंकि उसके अंदर इंटीग्रेटेड चिप दी गई है, ठीक है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा फास्ट हो चुके हैं। लेकिन अब एप्पल धीरे धीरे क्या करता जा रहा है, अपने लैपटॉप्स को नॉन रिपेयरेबल बनाता जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, विंडोज के अंदर आपके अंदर कुछ भी कमी आती है, रैम के अंदर कमी आती है, हार्ड डिस्क के अंदर दिक्कत आती है, या किसी के अंदर भी दिक्कत आती है, आप जाके उस पर्टिकुलर चीज को रिप्लेस करा सकते हो। लेकिन वहीं M1 के अंदर क्या कर दिया एप्पल ने, इतनी बड़ी M1 चिप है, उसी चिप के अंदर रैम है, उसी चिप के अंदर CPU है, उसी चिप के अंदर GPU है, अगर उसके अंदर से एक भी चीज खराब होती है तो आपको पूरी चिप बदलवानी पड़ेगी, जो कि बहुत महंगा सौदा साबित होता है। उतने में आप एक पूरा का पूरा नया लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर एप्पल जो है वो अपने लैपटॉप को नॉन रिपेयरेबल इसलिए बना रहा है ताकि उसके प्रोडक्ट्स जो है वो और ज्यादा सेल हो, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको सारी बातें बता दी, लेकिन वहीं एप्पल जो है वो गेमिंग के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता, इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा तो गेमिंग के लिए यूज किए जाते हैं लैपटॉप वो विंडोज के लैपटॉप यूज किए जाते हैं, क्योंकि एप्पल ने कभी भी गेमिंग के ऊपर फोकस करा ही नहीं। एप्पल ने हमेशा बिजनेस और प्रोडक्शन ओरिएंटेड उसकी अप्रोच रही है, अगर मैकबुक या एप्पल को लेके आप किसी भी 99% यूजर्स जितने भी होंगे ना एप्पल मैकबुक या एप्पल के लैपटॉप वाले, उनसे आप पूछेंगे जी आपने इतना महंगा लैपटॉप या मैकबुक क्यों खरीदा, वो बोलेंगे ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, इनसे मैं और पैसे कमाऊंगा। कैसे कमाऊंगा? क्योंकि एप्पल के जितने भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं ना वो सारे प्रोडक्शन वाले होते हैं,
एक्सकोड एप्लीकेशन बना के प्ले स्टोर पे लॉन्च करने के बाद किसी को नहीं पता कि वो मिलियन डॉलर एप्लीकेशन बन सकती है। ठीक है, पहला स्टेप फिल्मिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो होता है, यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं भाई अगर आप वीडियो एडिटिंग अच्छी तरह जानते हैं और अपनी खुद की फिल्म भी निकाल सकते हैं या ट्रेलर निकाल सकते हैं। यूट्यूब पर तो इतना बड़ा वो हो चुका है आजकल प्लेटफॉर्म की, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इतने ज्यादा पैसे कमाए हैं यूट्यूब से भी। ठीक है, दूसरी चीज म्यूजिक प्रोडक्शन वाले, ठीक है, जितने भी म्यूजिक बनते हैं, लॉजिक एक्स प्रो एक बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर एप्पल का, खुद के एप्पल के लैपटॉप में ही चलता है। तो यहां पर जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं, ज्यादातर वो मैकबुक को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक तरीके की उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। उनको पता है कि हम इतने रुपए निकाल लगा रहे हैं इसके ऊपर तो इससे डबल ट्रिपल चौवल निकाल लेंगे हम। क्यों? क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी इतनी ज्यादा है, ये एक दो साल के लिए नहीं खरीदा जाता प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट खरीदा जाता है चार पांच साल आराम से चल जाता है अगर इसमें कोई दिक्कत ना आए तो। ठीक है, यहां पर मैं खुद इस लैपटॉप को बहुत ज्यादा हैवी यूज करता हूं, अगर इतना ही कोई विंडोज में करता ना तो शायद वो बस क्या बताऊं उसके अंदर इतने लैग देखने को मिलते या कुछ भी होता, लेकिन वहीं ये मैकबुक जरा सा भी लैग नहीं होता। तो यहां पर ये जो होती है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के तौर पे ली जाती है जितने भी ये प्रोडक्ट लिए जाते हैं। अब यहां पर अगर मैं मैकबुक लिया है तो क्या मैं इसमें वीडियो एडिटिंग करता हूं, यूट्यूब पर डालता हूं, सॉफ्टवेयर बनाता हूं, मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, प्ले स्टोर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में डलती हैं, तो यहां पर उनसे और मनी रिटर्न ली जाती है। तो समझ रहे हो आप इस बात को। और यहां पर मैं अपना ओपिनियन देता हूं कि किनको मैकबुक खरीदना चाहिए या किनको विंडोज खरीदना चाहिए। देखिए, अगर आपकी ओरिएंटेड अप्रोच है बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस में नीड है भाई मुझे बेस्ट से बेस्ट फिल्म मेकिंग चाहिए, मुझे बेस्ट से बेस्ट एक ऐसी मशीन चाहिए जो मेरा काम टाइम रहते कर दे, क्योंकि आप पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं लेकिन टाइम नहीं खरीद सकते। जिसका टाइम बच रहा है एक तरीके से उसने टाइम को खरीद लिया। आप विंडोज के लैपटॉप से अगर एक 4K वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे और उसको एडिट करेंगे उतने ही बजट में, और वहीं आप एक मैकबुक से M1 चिप जो 92,000 से है, मैंने पूरा रिव्यू डाल रखा है, वहीं वो 3 मिनट में काम करके देगी और विंडोज वो करके देगी 30 मिनट में, जहां पर उनके 27 मिनट बच रहे हैं लोगों के, यानी कि उन्होंने 27 मिनट खरीद लिए हैं एक तरीके से, समझ रहे हो। तो यहां पर इसीलिए जो है वो उनको, जिनकी बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच है, जिनको प्रोडक्शन करनी है, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जितने भी हैं, तो उनको खरीदना चाहिए मैकबुक। वहीं आपको अगर आपकी अप्रोच है गेमिंग से रिलेटेड, जी मुझे सारे काम करने हैं सारे काम, वो तब आपको खरीदना चाहिए विंडोज, क्योंकि मैकबुक के अंदर आप गेमिंग नहीं कर सकते। मतलब कर तो सकते हैं, थोड़े बहुत गेम चल जाएंगे, लेकिन यार गेमिंग करने के लिए एक डेडिकेटेड लैपटॉप बने हुए हैं पहले से, तो वहां पर उस तरफ जा सकते हैं। ये जो चीज है, ये मैकबुक जो एप्पल ने निकाली है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन वालों के लिए निकाली है जो ज्यादातर प्रोडक्शन में है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बोनस टिप देना चाहता हूं, पूरी वीडियो दो लाइन में समअप करके दिखाऊंगा। अगर आपका काम बिजनेस ओरिएंटेड है, अगर आपका काम टाइम से रिलेटेड है, जी भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर चलाने हैं, क्या ये एप्पल के अंदर चलते हैं और अच्छे चलते हैं, तो आपको गो फॉर मैकबुक जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट वो विंडोज से ज्यादा बेहतरीन पूरी हो रही है, तो आपको विंडोज की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल बात ये है। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन में है। ठीक है।